छपरा में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम एक्शन मोड में है। इसी क्रम में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने आज छापेमारी की, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता कामेश्वर सिंह के घर से ही शराब बरामद हो गई। यह शराब उनके मढ़ौरा स्थित घर में पाई गई है। मढ़ौरा के स्टेशन रोड स्थित आवास से जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के मकान से मढ़ौरा पुलिस वो एलटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अंग्रेजी और देशी शराब के पाउच बरामद किए हैं। इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि महिला किराएदार की पत्नी है। सुनिए इस मामले में जेडीयू नेता का क्या कुछ कहना है। मीडिया का मालूम माध्यम से मालूम भेल कि हमरा घर एगो घर हमरा 32 साल छोड़ला भेल आ टूटल भांगल बा। ओमे दरवाजा फरवाजा कुछ नहीं थे। ई कौना साजिश के तरह ओमे रख के साजिश कैले बा एकर हमरा कोनो मालूम नहीं कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एकर जांच हो कि सरकार के बदनाम करे खातिर ये काम कर रहा बा लोग एक जांच हो कि मैं के धरोल का कैल का हमरा के बदनाम करे खातिर हमरा सरकार के बदनाम करे। बता दें कि कामेश्वर सिंह जेडीयू राज्य पार्षद के सदस्य हैं और मशरक के रहने वाले हैं। उनका एक मकान मढ़ौरा में है जिसे उन्होंने किराए पर लगा रखा है। उसी मकान में छापेमारी कर पुलिस ने देशी और विदेशी शराब बरामद की है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। और इधर सफेदपोशों के नेक्सस का सनसनीखेज खुलासा लगातार हो रहा है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पूरे बिहार में शराब बंदी है। बिहार में शराब की बिक्री, शराब का उत्पादन और शराब का सेवन तीनों ही आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। शराब बंदी के बावजूद तहकीकात में कच्ची शराब के धंधे के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अब देखना होगा जब जेडीयू नेता के घर से ही शराब बरामद हुई है, इस पर सीएम साहब क्या कुछ कहते हैं। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।